इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष नफे सिंह राठी और पार्टी के कार्यकर्ता की रविवार को दिल्ली के पास बहादुरगढ़ में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने उनके एसयूवी पर अंधाधुंध गोलीबारी करके वारदात को अंजाम दिया। इस हमले में राठी के सुरक्षा के लिए रखे गए 3 निजी बंदूकधारी भी घायल हो गए। झज्जर के SP अर्पित जैन ने कहा कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्पेशल टास्क फोर्स को लगा दिया गया है। और वो कार्रवाई में लगी हुई हैं और 2 DSPs जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं और शीघ्र हम इनको ट्रेस करेंगे जो भी इसमें हमला करने वाले हैं उनको। सर, पूरी वारदात कैसे हुई? ये जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर, तो उस पर उनकी गाड़ी आके रुकी है और उसके बाद एक दूसरी गाड़ी जो है वहाँ पर आई है और उसने फायरिंग की है। कितने हमलावर थे सर? अभी तक जो आया है कि 4 हमलावरों का पता चला है, बाकी आगे भी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जो भी और भी होंगे तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। क्या मामला सामने आया सर? कौन लोग थे? कहीं पता चल रहा है कोई गैंग कोई किसी गैंग का भी नाम आ रहा है या कोई और मामला? देखिए, ये अभी जांच का विषय है और इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और हम जो भी अपनी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। कितने राउंड मिले सर? अभी उसका मैं उस विषय पर आपको बता नहीं सकता हूँ, वो सारा अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी पुलिस कार्रवाई जारी है और आगे जैसा भी होगा आपको उस विषय में बता दिया जाएगा। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्हें बेहद अफसोस है, नफे सिंह उनके साथ भी विधायक रहे हैं। विज ने कहा कि उन्होंने STF को कह दिया है और अधिकारियों को भी आदेश दे दिए हैं। ये जो आज घटना हुई है, जिस ढंग से चौधरी नफे सिंह राठी को शरेआम गोलियां मार करके आज मार दिया गया, इसके लिए पूर्ण रूप से जो है प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। इसलिए जिम्मेवार है कि आज से 6 महीने पहले राठी साहब ने मुझे गुड़गांव मेरे आवास के ऊपर ये बात बताई कि मुझे पुलिस के लोगों ने ही इस बात की इत्तला दी है कि आपकी जान को खतरा है, आप पे कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है। इस पूरे मामले में नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। खुद कट्टर साहब से मेरे पिताजी दर्जनों बार मिले हैं, हर बार जब भी मिलते थे आके मुझे बताते थे कि बेटे इस बार कट्टर साहब ने कह दिया सुरक्षा मिलेगी, लेकिन नहीं, खोखले वादे मेरे पिताजी को बलि चढ़वाने का उन्होंने काम किया। 2 दिन पहले हमने अपने पिताजी का जन्मदिन मनाया, धूमधाम से मनाया, हमें ये नहीं पता था कि वो आखिरी होगा। मेरे पिताजी ने जब से उम्र संभाली तब से बहादुरगढ़ की सेवा करी। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक राठी एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में जा रहे थे। रास्ते में झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर में कार सवार हमलावरों ने उन पर हमला किया। राठी पर गोलियों की बौछार कर दी गई। मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस ने कहा कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।